तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स गेम। सो टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए कि इस वीडियो के अंदर क्या बात होने वाली है गाइस। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन प्लेयर्स के लिए जिनको लगता है कि वो इन गेम क्वालिफायर से इस क्वालकॉम टूर्नामेंट में क्वालिफाई हो जाएंगे और उनकी टीम में या कुछ 18 साल से कम एज के प्लेयर हैं। तो बेसिकली यार ये वीडियो होने वाला एक पॉइंट को लेकर और एक लेटर को लेकर जो कि रूल बुक में अटैच था, जिसके बारे में किसी ने ध्यान दिया, इवन मैं भी मिस कर गया था। बट मेरे को जब मैं आज रूल बुक पढ़ रहा था तो मुझे याद आया और मुझे लगा कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबको बताना चाहिए, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट वाइज समझा नहीं जा सकता था या मैं किसी को ऐसे लाइव स्ट्रीम्स पे भी समझा नहीं सकता था। वहाँ पे भी यार ऑडियंस फ्लक्चुएट करती रहती है और उतना जल्दी किसी को नहीं समझा सकता था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। क्योंकि ये इन गेम क्वालिफायर्स के बाद की कहानी है, अगर आप इन गेम क्वालिफायर्स में क्वालिफाई हो जाते हो और आपकी एज 18 से कम है तो ये लेटर उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपके पास अगर ये लेटर नहीं होता है तो शायद आप इन गेम क्वालिफायर्स के बाद के जो राउंड होंगे ऑनलाइन क्वालिफायर्स जो लैन इवेंट होते हो उनमें शायद आप एंट्री भी ना ले पाओ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे हम लोग कि यार उस लेटर में क्या है और उस पॉइंट में क्या है कि जिसकी वजह से इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। तो वो लेटर आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप इन गेम क्वालिफायर्स में क्वालिफाई कर जाते हो। तो पूरा वीडियो को देखना, मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल वन बाय वन पॉइंट से। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट को लेके जो कि रूल बुक के 3.3 पे मेंशन है, जिसमें लिखा हुआ, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है जिसमें लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करूँ ब्रीफली, आप इसको खुद भी पढ़ लेना। ये है लिखा कि भाई आपकी मिनिमम एज तो मैंने पहले ही बता दी थी कि यार 12 होने वाली है पार्टिसिपेट करने की, और अंडर 18 मतलब जो अंडर 18 मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यार जो आपके लीगल एक्शन या कुछ भी अथॉरिटीज़ होती है जो खुद लेने की इंडिपेंडेंस होती है यार, वो 18 मतलब एज मेंशन की गई है मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा। तो टूर्नामेंट भी यार मतलब जो क्वालकॉम वाले टूर्नामेंट है उसमें भी यही फॉलो होता है कि अगर आप अंडर 18 हो मतलब 18 साल से कम हो तो आपको लैन इवेंट्स में खेलने के लिए, जो कि आपके FFIS जैसे हुए थे, इंडिया सीरीज जैसा हुआ था यार, जहाँ पे एक ही जगह सब बैठ के खेल रहे थे, उससे पहले अगर FFIS में करेक्ट नहीं हूँ कर देना अगर कोई गलत मैंने बोल दिया टूर्नामेंट के बारे में, अगर FFIS में अगर आपने देखा होगा जहाँ सब एक जगह बैठ के खेल रहे थे तो वैसे ही सीन होने वाला है यार लैन इवेंट। अगर कोविड की सिचुएशन ठीक हो जाती है, वैसे वैक्सीन आ गई है अब जब तक मिलेगी, वैसे मेरे हिसाब से अगर लैन इवेंट ना हो तो ज़्यादा बेटर है, तो आपको इस कंसर्न लेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर इन केस लैन इवेंट होते हैं तो आपको इस कंसर्न लेटर की ज़रूरत पड़ने वाली, अगर आप इन गेम क्वालिफायर से क्वालिफाई हो जाते हैं, आप लैन इवेंट के लिए बुलाए जाते हो किसी जगह पे, तो आपको इस लेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। कंसेंट लेटर का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि यार आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ कर दिया है इस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए, और जितनी भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके पेरेंट्स की होंगी, अगर कुछ भी हुआ वहाँ पे आप गलत होता है आपके साथ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स की होगी। और साथ ही में यार आप जो कुछ लीगली कुछ गलत भी करते हो, अगर आप रूल्स तोड़ते हो या कुछ लीगली कुछ गलत भी करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स को लेनी पड़ेगी, और कंपनी वाले लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं, अगर वो लेना चाहे तो लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स को लेनी पड़ेगी। तो कंसेंट लेटर में बेसिकली ये लिखा रहता है और आपके पेरेंट्स को रिटन फॉर्म में देना पड़ता है, मतलब रिटन लिखा रहता है, बाय सिग्नेचर देना पड़ता है, पेरेंट्स के नेम वगैरह, जीमेल, मोबाइल नंबर और भी कुछ छोटी मोटी डिटेल्स लिखी हैं, आप इस कंसेंट लेटर को देख लीजिए। अगर आप इन गेम क्वालिफायर्स क्वालिफाई कर जाते हो, आपको मेल आ जाता है, इन गेम में मेल आ जाता है, तो आपको आप यहाँ से इसको फॉर्म को ज़रूर निकलवा के इसको ज़रूर फिल कर लीजिएगा अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो इन गेम क्वालिफायर से। और अगर आपको इन गेम क्वालिफायर से लेके कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इस वीडियो टूर्नामेंट के रिगार्डिंग पूरी सीरीज़ बना के रखी है, तो आप इसको एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी सीरीज़ देख सकते हो। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है इन गेम क्वालिफायर्स को लेके या और भी किसी चीज़ को लेके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप देख सकते हो पूरी वीडियोस, मैंने पूरी सीरीज़ बना के रखी हुई है पहले से ही। अगर आप इस कंसेंट लेटर के या डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंस लॉन्स वगैरह जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं कंसेंट लेटर का पढ़ोगे तो उसमें भी आप यही पाओगे कि बेसिकली इसका मीनिंग यही लिखा है जितना भी मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया पीछे, तो जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सब इसमें लिखा है। मैंने बस बहुत शॉर्टली मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ आइडिया दे दिया कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है कंसेंट लेटर का और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं दोगे, अगर लैन इवेंट होता है, कोविड की सिचुएशन सही हो जाती है और कंपनी को अलाउ हो जाता है कि आप लैन इवेंट करा सकते हो, तो आपको कंसेंट लेटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आप अगर अंडर 18 हो,
18 साल से कम हो तो आपको ज़रूर पढ़ने वाली, कंसल्टेटर के बिना वो आपको एंट्री नहीं देने वाले आई थिंक, जैसा कि यार इसमें लिखा है अभी तक। क्योंकि कंसल्टेटर ये बेसिकली यही होता है कि मीन कि आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में या इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो भाई बात अब ये आती है कंपनी आपसे ये लेटर लेगी कैसे। तो यार आपने स्त्री मूवी देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग तो बहुत फेमस, वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। तो वैसे यार ये कंपनी ये ऐसे भी आपसे ये लेटर ले सकती है, ये आप तो रिटन फॉर्म में भी मतलब हार्ड कॉपी में भी ले सकती है, या आपसे डिजिटली ले सकती है, अपने ईमेल्स पे ले सकती है, आपको ये ईमेल प्रोवाइड करेगी तो उस पर लेटर ले सकती है। तो वो कैसे भी ले सकती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा, अगर आप इन गेम क्वालिफायर्स में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप इसकी एक प्रिंटआउट ज़रूर निकलवा लीजिएगा। लास्ट में दिया एक प्रिंटआउट निकलवाने में मुश्किल से 5 रुपये भी नहीं लगते, तो निकलवा लीजिएगा ज़रूर अगर आप इन गेम क्वालिफायर्स में क्वालिफाई हो जाते हैं। एक सेफर साइट के लिए आप इसको निकलवा के ज़रूर रख लीजिएगा और इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और पेरेंट्स के सिग्नेचर ले लीजिएगा, खुद से मत करना, खुद के सिग्नेचर नहीं ले जाएंगे। अगर कुछ गलत होता है तो आपके पेरेंट्स को एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। तो पेरेंट्स के सिग्नेचर लेना लीगली तरीके से, मतलब समझ गया ना लीगली तरीके का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और साथ ही में यार पेरेंट कंसर्न लेटर के जस्ट ऊपर एक और लेटर दिया है जिसमें यार आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर रहे हो, जिसमें आपकी डिटेल्स मांगी गई हैं, जिसमें यार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे ये डिटेल्स मांगी गई, आप इसको पूरा देख लीजिएगा। लास्ट ही में ये दोनों लेटर दिए गए हैं, बिल्कुल जो रूल बुक दी गई है बिल्कुल लास्ट में दी गई है। रूल बुक आप लोगों को पता होगी कहाँ से मिलेगी थी, तो अगर आपको नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने बताया, तो उसमें से देख लेना और साइट पे जाना, साइट पे इजीली मिल जाएगी। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ सबसे नीचे रूल बुक में ये दोनों लेटर दिए गए हैं, जिसमें आप अगर आप लैंड इवेंट में खेलते हो तो आपको भी इस लेटर पे ये जो आपका वाला पोर्शन है उस पर साइन करना होगा और आपको फिलअप करके देना होगा। या तो वो ईमेल पे मांगेंगे और या तो हार्ड कॉपी मांगे, और नीचे आपके पेरेंट्स वाला कंसेंट लेटर दिया है, तो दोनों चीज़ों को देख लेना क्योंकि दोनों में यार काफ़ी सिमिलर डिटेल्स मांगी गई हैं। तो यार आप लोग एक बार ठीक से ध्यान से देख लेना उसको एक बार। और मैंने जो पीछे इतना बताया कि आप इससे डर रहे हो कि भाई लीगल एक्शंस के लेके फादर पे कुछ होगा या घर पे कुछ दिक्कत तो नहीं होगी या हमको कुछ होगा तो नहीं, तो यार ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। बस आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनको फॉलो करना और जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना, बाकी आपको कुछ नहीं होगा, बस उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, बाकी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इतना घबराने की बात नहीं, बस उनके रूल्स मत तोड़ना, जो रूल्स होते हैं और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको फॉलो करना, बाकी आपके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं होने वाला है या आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो बेसिकली यही है चीज़ सारी, मैंने बेसिकली इसमें शायद ज़्यादा बोल दिया। तो बस गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कंसेंट लेटर क्या है, मैंने क्यों इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। तो आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो पोस्ट करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।